डियर व्यूवर्स एंड लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गजाला फातिमा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर कोर एकेडमी पर आप सबका खैर मकदम करती हूँ। वॉइस क्वालिटी के हवाले से मैसेज करें ताकि हम आज की क्लास का आगाज कर सकें। वॉइस क्वालिटी के हवाले से मैसेज करें। वालेकुम अस्सलाम, एवरीथिंग इज क्लियर? सर से आवाज आती है मैम? ओके, तो चलिए हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। और अगर क्वालिटी के हवाले से अगर बात करें, अगर किसी तरह की क्वालिटी में कमी है तो आप सब अपने YouTube की सेटिंग्स पे जाएं और वहां पर क्वालिटी एडवांस कर लें। तो एडवांस अभी चूंकि जब हम देखते हैं तो हमारी ऑलरेडी जो सेट होती है वो 144 होती है, 144, तो उसको जाकर एडवांस पे कर लें। एडवांस पे यानी 720, तो वीडियो क्लियर हो जाती है। ओके, तो चलिए हम, मैं आपके मैसेज जैसा कि देख पा रही हूँ तमाम चीजें क्लियर हैं, तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। आप जान रहे हैं कि हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 में हमने शुरू किया था सबसे पहले सौदा की कसीदे का फन, आवाज और इर्तिका, सौदा की कसीदा निगारी, सौदा के शामिल निसाब कसायद की तशरीह, और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं ज़ौक की कसीदा निगारी के बाद अब हम ज़ौक के जो शामिल निसाब दो कसीदे हैं उनकी तशरीह। हमने एक जो पहला कसीदा है उसे शुरू कर दिया था, ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, और उसके 44 अशार की हमने तशरीह भी की थी। अब उसके आगे के अशार की तशरीह हम करेंगे। तो जो लोग अगर आज हमसे नए जुड़े हुए हैं तो वो ये देख लें कि जब हम वहां पे तशरीह कर रहे थे, एक तो ये कि ज़हे निशात अगर कीजिए तहरीर, ये कसीदा ज़ौक ने बहादुर शाह जफर की तारीफ में लिखा है, और कब लिखा है, कौन सा मौका था, वो भी हमने गुफ्तगू की थी। एक बार मैं उसको फिर से आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। ये कसीदा बहादुर शाह जफर की सेहतियाबी की खुशी के मौके पर कहा गया था। एक बार वो बीमार हुए थे और जिस वक्त उसे पेश किया गया था, यानी जिस वक्त बहादुर शाह जफर सेहतियाब हुए थे, वो बहार का मौसम था। वो मौसम कौन सा था? बहार का मौसम था। इसलिए इस कसीदे की तशबीह जो है उसमें निशात तो मसर्रत और बागो बहार दोनों का जिक्र है, इसीलिए इसकी तशबीह को कहा जाता है बहारिया तशबीह है, ठीक है। और इसके अलावा इस शेर के पहले मिसरे में जहे निशात के अल्फाज लाकर शायर ने इस तरफ इशारा कर दिया है कि आगे किसी खुशी या मसरत की बात का जिक्र आ रहा है। इसे इस्तिलाह में हम क्या कहते हैं? बराते इस्तेलाल कहते हैं। अभी बराते इस्तेलाल क्या है? इस शेर इसमें ये होता है कि आने की शायर किसी ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करे जिससे ये पता चल जाए कि आगे क्या बात आने वाली है, खुशी की, गम की। तो जहे निशात यानी वाह वाह क्या खुशी की बात है, इसका मतलब आगे किसी खुशी का जिक्र होने वाला है। इसे बाकी आप ये सनातों के बारे में और क्लासिकी असनाफ के अलावा जो शेरी और नसरी असनाफ है उनके बारे में भी आपके यूनिट 10 में है। यूनिट 10 में जो आपकी दीगर शेरी नसरी असनाफ हैं और ये आपका जो इस्तलाहात वगैरह हैं, ये तमाम चीजें यूनिट 10 में हम पहले ही पढ़वा चुके हैं इम्तियाज अहमद अलीमी सर से। तो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे परवाज बैच के नाम से यूनिट 10, आप उन्हें उन दोनों को जरूर देखिए, वो आपके सभी यूनिट में काम आने वाला है। तो वहां पर भी बराते इस्तलाल इसको क्या कहते हैं? बराते, इस शेर में तहरीर का लफ्ज दोबारा आया है, जैसे जहे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामे से नगमा जाए शरीर।
तो इस जगह दो अलग अलग माने में, जिसे तजनीस ताम कहते हैं, अब तजनीस ताम ये सब डिटेल में वहां पर पढ़ाया गया है, तो वो हमेशा आपके काम आने वाला है। जैसे कि ताज मोहम्मद आपने कहा यूपीएससी के लिए, तो वो सब में ये उर्दू अदब तो एक है, बस थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस अलग है, नावल वहां भी शामिल होगा, बस कौन सा नावल का आगाज और इर्तिका वही होगा, फन वही होगा, लेकिन नावल यह है कि हो सकता है उसमें कोई और शामिल हो, या इसी से इन्हीं में से कोई नावल भी शामिल हो, या कोई और दूसरा भी शामिल हो, यही हाल तमाम असनाफ का है। तो खामा तहरीर और शरीर में इहामे तनासुब है। इहामे तनासुब किसे कहते हैं, एक दूसरे से मुनासिबत रखना, जैसे कि खामा माने कलम होता है, तहरीर लिखावट को कहते हैं, शरीर जो पहले लकड़ी के कलम होते थे उससे सरसराहट की जो आवाज आती थी उसको शरीर कहते हैं, तो लिखने का कलम से और उसकी सरसराहट की आवाज से ताल्लुक है ना, तो इसलिए इसमें इहामे तनासुब है। ये तमाम और इसमें ज्यादातर अशार में यही हुआ है, और इसमें तशबीह जो है वो बहारिया है, हर शेर में बहार के मौसम का जिक्र है। तो हम तशबीह के अशार पढ़ चुके थे हम, और उसके बाद गुरेज के बाद अब हम मध्य में पहुंच चुके थे जहां बहादुर शाह जफर की तारीफें हो रही हैं, और हम 44 अशार तक पढ़ चुके थे। तो चलिए अब हम आगे आते हैं, सॉरी, ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी, हम यहां तक पढ़ चुके थे। ये है हवा, ये बहादुर शाह जफर के अदल व इंसाफ की बात हो रही है। जैसे कि जब किसी बादशाह की तारीफ की जाती है तो आप उसमें जान रहे हैं कि उसमें बहादुर शाह जफर के अदल व इंसाफ की, उसके इंतजामिया की, उसके इंतजाम की, कानून की, और बहादुर शाह जफर या जो उस बादशाह की तारीफ हो रही होती है उस बादशाह के साजो सामान की, घोड़े की, तीर की, बंदूक की, हर एक चीज की शायर तारीफ करता है, वो भी मुबालगे के साथ, बहुत बढ़ा चढ़ा के करता है। यहाँ भी वही हुआ है। तो हम यहाँ तक ये बहादुर शाह जफर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, जो उसका कानून है, उसके बारे में है। मजाल क्या तेरे अहद में शरर की तरह उठाएं सर को, शरारत से सर कशाने शरीर, ये सब आप पिछले उसमें देख सकते हैं कि किसी की मजाल नहीं है कि तेरे उसमें कोई शरारत के लिए अपना सर भी उठा ले। हवा में आके जो करता है सरकशी शोला, अगर कोई शोला भी भड़कने की कोशिश करता है आपके आपके इसमें हुकूमत में, तो उसके उसका तो चुटकियां दिले आतिश में ले है आतिशगीर, तो उसकी भी चुटकियां ले ली जाती है, यानी उसकी गर्दन कलम काट दी जाती है। ये सब हमने पढ़ा है। अब आज जो हमें पढ़ना है वो यहां से, तेरे नस्क से जो बिल्कुल रही नखूरेजी, लड़ाइयों में कहीं फूटती नहीं नकसीर। तो देखिए नस्क माने क्या होता है, इंतजाम, इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, तेरा जो हुकूमत के जो इंतजाम हैं आपके, तेरे नस्क में, तेरे इंतजामिया में, तेरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो बिल्कुल न रही खुरेजी, बिल्कुल खुरेजी तो कहीं नामो निशान को भी बाकी नहीं है, कहीं खुरेजी नहीं होती है किसी तरह की, किसी को जानो माल का नुकसान नहीं होता है, ए बादशाह सलामत, ये आलम है तेरे नस्क नस्क में। नस्क माने इंतजामिया, लड़ाइयों में कहीं फूटती नहीं नकसीर। अब तो ये आलम है कि अगर कहीं लड़ाई भी होती है तो वहां आम खुरेजी तो दूर की बात है, आमतौर पर जब लड़ाइयां होती हैं तो वहां खुरेजी होती है, जानो माल का नुकसान होता है, लेकिन आपके इंतजामी सलाहियत का ये आलम है और आपके इंतजामिया का एडमिनिस्ट्रेशन का ये आलम है, और इतने अच्छे से चल रहा है कि अगर लड़ाइयों में अब किसी की खुरेजी जान जाना तो दूर की बात है, नकसीर भी नहीं फूटती। अब नकसीर किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं बड़े नाजुक होते हैं, या कुछ अक्सर उनकी नाक में जरा सा भी धक्का लग गया या जरा सा कुछ हो गया तो फौरन नाक से खून निकल आता है, और वो कब होता है, जब नाक में चोट लगती है यहाँ पे, तो उसे जो ब्लड आता है इस तरह चोट लगने पे उसे नकसीर कहते हैं। लेकिन ये सबके आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा होता है कि जरा सा कुछ धक्का लगा नहीं कि फौरन से नाक में खून आ जाता है। आपने देखा होगा अपने साथियों में, जब जब बचपन से खेल रहे होते हैं तो कुछ बच्चों के साथ ही हो, तो आपके इंतजामिया में ये आलम है, आपके जो दौरे हुकूमत में इंतजामिया का इंतजामी सलाहियत इतनी अच्छी हो गई है कि अगर कि खुरेजी तो बिल्कुल भी नहीं रही है कि किसी की जान और माल का नुकसान, हाँ अगर लड़ाइयां भी होती हैं तो वहां किसी की नकसीर तक नहीं फूटती है, यानी खून खराबा तो होता ही नहीं है, कहने का ये मतलब है। कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, बहुत सारे आए हैं, फिर उसके बाद में जवाब दूंगी। लियाकत अली, अस्सलाम वालेकुम मैम, ठीक है आप माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम अहमद, शाहीन मैम आपका नेम इतना अच्छा है और आपके नेम में फातिमा लगा है, कितना प्यारा नाम है, ने के लिए माजर चाहती हूँ मैं, आपको रखना चाहिए। ओके यस मैम, ओके अल्लाह मैम आपको, मैम छठे शेर का मतलब बता दीजिए शमा, ओके शमा ये बाद में कर लेंगे। यस मैम हो गया, बोर्ड बिल के लिए तैयार नहीं,
नौशाद, अगर बोर्ड क्लियर नहीं है तो अपना ये सेटिंग्स पे जाकर आप एडवांस में कर लें। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, जिसे भी बोर्ड क्लियर नहीं है तो सेटिंग्स में जाकर उसे जो हाँ जो जो पहुंचे बुध कदे में तेरा शोरे दीदारी, बुलंद नालए नाकूस से भी हो तकबीर। अब यहाँ पर शायर यानी जौक, शायर इस कसीदे का कौन है? कहने वाले जौक है, और जिसकी जिनकी तारीफ ये ममदूह कौन है? बहादुर शाह जफर। तो अब यहाँ पर तो बहादुर शाह जफर के हुकूमत के इंतजामिया की इंतजामी सलाहियत का जिक्र था, यहाँ पर क्या है? बादशाह सलामत की दीनदारी का जिक्र है। जो पहुंचे बुध कदे में तेरा शोर दीनदारी, ऐ बादशाह सलामत आपकी दीनदारी के का शोर या दीनदारी की आवाज कहाँ पहुंचे? बुध कदे में। बुध कदे माने मंदिर, मंदिर में अगर आपके के दीनदारी का शोर पहुंच जाए, उसकी आवाज पहुंच जाए या उसका जिक्र मंदिर में हो जाए बुध कदे में आपकी दीनदारी का, तो क्या हो? बुलंद नालए नाकूस से। नाकूस माने क्या होता है? मंदिरों में जो लगा हुआ शंख होता है जिसको पूजा पाठ करने से पहले बजाया जाता है और तेज आवाज निकलती है। नालए नाकूस यानी शंख की जो आवाज है, बुलंद नालए नाकूस से। तो नालए नाकूस से क्या बुलंद हो? तकबीर। बुलंद नालए नाकूस से भी हो तकबीर। तो वहां अगर आपकी दीनदारी का शोर या दीनदारी का चर्चा बुतकदे में पहुंच जाए तो वहां लगे जो वहां लगे नाकूस से जो आवाज निकलती है वो किसकी आवाज निकलेगी? तकबीर की। ये आलम है आपकी दीनदारी का। चीजें समझ में आ रही हैं? ओके। वो बरके कहर खुदा तेरी तेगे आतिश, वो बरके कहर कहरे खुदा तेरी तेगे आतिश दम की, जिसकी आंच तेरे दुश्मनों को नारे सईर। अब देखिए इसमें बादशाह सलामत के तीर की, मैंने कहा ना कि जब कसीदे में तारीफ की जाती है तो बादशाह सलामत के एक एक चीज की जाती है। अब यहाँ पे वो बरके कहरे खुदा, खुदा के कहर की बिजली, तेगे आतिश दम, तेगे आतिश दम के क्या माने हुए? तेगे आतिश दम आग की फूंक जैसी तासीर रखने वाली तलवार, जिसमें जिसकी तेजी इतनी है जैसे आग की फूंक, इतनी तेजी, और जिसकी आंच, आंच आप समझ रहे हैं आग की जो आंच होती है, दुश्मन, नार माने आग, सईर माने जहन्नम, सईर के माने जहन्नम, नार के माने आग। तो वो बरके खुदा, वो खुदा के कहर की बिजली, तेरी तेगे आतिश दम, जो तेरी तेज तलवार है जिसमें आग की तेजी की फूंक जैसी तेजी है, वो कैसी है? वो खुदा के कहर की तरह है कि जिसकी आंच से, कि अगर उसकी आंच किसी, अब चूंकि बादशाह सलामत की जो तेग है उसकी आंच, उसमें इतनी आंच है कि वो खुदा के कहर की बिजली की मानिंद है, और जिसकी आंच तेरे दुश्मनों को, और जिसकी आंच अगर तेरे दुश्मनों पर पड़ जाए तो उन्हें क्या हो जाए? नारे सईर, उस जहन्नम की आग में जल जाए, ये कहा जाएगा। तो ये हमारे शेरी रिवायत रही है कसीदे की, कि इस तरह की बातें बादशाह सलामत के लिए जब उसके साजो सामान की बातें की जाती है, तारीफ की जाती है, तो वहां मुबालगा के साथ बयान की जाती है। इसमें भी तलवार की तारीफ ही मकसूद है, लेकिन अल्फाज देखिए कैसे आए हैं कि बादशाह आपकी तलवार की जो आग जैसी तासीर रखने वाली है, दर हकीकत वो कहरे खुदाबंदी की बिजली है, जिस पर गिरती है उसे फना कर देती है, और उससे निकलने वाली आंच आपके दुश्मनों के हक में जहन्नम की आग की तरह हो गई है। जो है खदंग का तेरे निशाना, जो है खदंग का तेरे निशाना चश्मे हसूद, तो है तफंग का तेरे दिल अदुए अदू नखचीर। जो खदंग माने क्या होता है? खदंग माने तीर, या खदंग माने वो पेड़ होता है जिसकी लकड़ी से तीर बनाए जाते हैं। और निशाना चश्मे हसूद, हासिद की नजर, हासिद की आंख, चश्मे माने आंख, हासिद हसूद है जो हसद करने वाले लोग हैं उनकी आंख। तो तफंग माने क्या होती है? बंदूक। अब देखिए इसमें बादशाह के तीर और बंदूक, इन सब का दिले अदु, अदु माने होता है दुश्मन, नखचीर माने जिसे का शिकार कर लिया गया हो। अब इस शेर में भी बादशाह सलामत के तीर और उसके बंदूक की तारीफ की गई है। अब इसमें जौक कहते हैं कि बादशाह आपका तीर हसद करने वाले के आंख का को अपना निशाना बनाती है, और आपकी बंदूक दुश्मन के दिल का शिकार कर लेती है।
जो है खदंग का तेरे निशाना, तेरे तीर का निशाना क्या है? चश्मे हसूद, हासिद की आंख, जो हसद करने वाले लोग हैं उनकी आंख तेरे तीर का निशाना है। तो तफंग का तेरे और तेरे तेरे बंदूक का निशाना क्या है? दिले अदू, दुश्मन के दिल का शिकार, नखचीर माने जिसे शिकार कर लिया गया, और तेरी बंदूक ऐसी है। तेरे है खाम, हाँ तेरे है खाम ए तुगरा निगार में ये जोर की जो खींचे एक रविशे खते मिन हनी वो लकीर। खामा माने क्या होता है? कलम खामा है तुगरा, खूबसूरत जो तुगरा लिखने वाले होते हैं, तुगरा निगारी कहते हैं, जो खूबसूरत लिखावट होती है आपके खामा तुगरा में, यानी जो तुगरा निगारी के जो कलम है उसमें ये जोर है, ऐसा जोर है, ऐसी ताकत है जो खींचे कि अगर उससे खींचा जाए क्या, एक रविशे खत्ते मिनहनी वो लकीर, एक टेढ़ी खत्ते मिनहनी छोटी छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी लकीर, अगर आपके खामे तुगरा निगार में ये जोर है कि अगर उससे छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींच जाए दी जाए तो क्या आलम होगा। अब देखिए ये दोनों शेर एक दूसरे से मरबूत हैं, तो फिर से हम मिला के पढ़ते हैं तो पूरा मीनिंग समझ आ जाएगा। तेरे है खाम ए तोहरा निगार में ये जोर कि जो खींचे एक रविशे खत्ते मनहनी वो लकीर। तो क्या, तो एक से हूँ अशकाल हिंदसी पैदा, मिटा दे देख के उकलीदस अपनी सब तहरीर। तोहरा के माने क्या होता है? ऐसी खूबसूरत तहरीर जो नक्शो निगार के शक्ल में हो, तोहरा निगारी उसी को कहते हैं। और खत्ते मिनहनी इल्म हिंसा के इस्तलाह में, अगर हम ज्योमेट्री की इस्तलाह में, मैथमेटिक्स कल इस्तलाह में इसे कहेंगे तो क्या बोलेंगे? टेढ़ी मेढ़ी छोटी लकीरें। अशकाल हिंदसी इल्म हिंसा को, यानी ज्योमेट्री की शक्लें ये मिटा दे देख कर ये, तो पैदा हो ऐसे अशकाले हिंदसा, हिंदसा अशकाले हिंदसा ज्योमेट्री की शक्लों को कहते हैं। मिटा दे देख कर उकलीदस, उकलीदस कौन है? ज्योमेट्री का बानी है उकलीदस। तो अब ये कह रहा है शायर इसमें, अब देखिए इसमें शायर ने कितना मुबालगे से काम लिया है कि अब एक दोनों शेर एक दूसरे से मरबूत है, दोनों शेर को पढ़ेंगे तभी पूरा माने समझ आ रहा है कि ऐ मेरे ममदू ऐ बादशाह सलामत, आपकी तुगरा निगारी का ये आलम है कि आपके तुगरा बनाने वाले कलम में ऐसा जोर पाया जाता है कि अगर वो कलम से खत्ते मिनहनी जैसी छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींच दे तो उससे इल्म हिंदसा यानी ज्योमेट्री की ऐसी ऐसी शक्लें पैदा होंगी कि जिन्हें देखकर इस फन का यानी ज्योमेट्री का बानी उकलीदस अगर अपनी उसको देख ले तो शर्मिंदगी से अब तक अपनी बनाई गई तहरीरों को मिटा देगा। तो ये मुबालगे पर मबनी और हद से बड़ा हुआ मुबालगा है, और ये मदह के शेर हैं कि तेरे खामे तुगरा निगारी वाले खामे में जो कलम जो आप तुगरा निगारी करता है उसमें ऐसा जोर है कि जो खींचे एक रविशे खत्ते, तो अगर वो छोटी छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी रविश लकीरें खींच दे तो क्या हो, तो उससे ऐसे हो अशकाले, तो उससे ज्योमेट्री की ऐसी ऐसी शक्लें पैदा हो कि मिटा दे देख के उकलीदस अपनी सब तहरीर, तो उसे देख कर उकलीदस जो ज्योमेट्री का बानी है, जो इस फन का बानी है, वो अपनी तमाम तहरीरें मिटा देगा। वो रोशनी तेरे खत्मे की इब्ने मकला, अगर लगा ले आंखों से सुरमे की जा तेरी तहरीर। ये भी मिला के पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, एक मिनट, अगर इन दोनों को भी मिला के पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ, वो रोशनी तेरे खत्मे की इब्ने मकला, अगर लगा ले आंखों से सुरमे की जा तेरी तहरीर, तो हो ये नूरे बसारत की पढ़ ले हर्फ बहर्फ, जो होवे लोहे जबी पर तो लोहे जबी पर नविश्ते तकदीर। अब सबसे पहले तो ये कि इब्ने मकला कौन है, तो इब्ने मकला जो है वो अहद अब्बासी का एक अरबी का मशहूर खत्तात था, और बगदाद में वो पैदा हुआ था, और कहा जाता है कि वो बहुत जहीन था और वो एक बहुत बड़ा अरबी खत्ताती करता था और बहुत खूबसूरत नक्काशी करता था अरबी की। और इसके अलावा देखिए, वो रोशनी तेरे खत में ऐ बादशाह सलामत, आपके खत में आपकी तहरीर में ऐसी रोशनी है, ऐसा नूर है कि लगा ले आंखों से सुरमे की जा तेरी तहरीर। आप ऐ बादशाह सलामत, आपके खत में ऐसी रोशनी है यानी नूर है ऐसा कि इब्ने मकला अगर अपनी आंखों में जमाने जगह सुरमे की जगह तेरी तहरीर को आंखों में लगा ले तो क्या हो,
तो हो ये नूरे बसारत, तो उसे ये नूर मिल जाए, उसे ये नूरे बसारत मिल जाए कि पढ़ ले हर्फ बहर्फ, उसके आंखों में ऐसा नूर आ जाए तो वह हर्फ बहर्फ पढ़ लेगा। क्या पढ़ लेगा? जो होवे लोहे जबी पर, तो कहते ना कि जो लोहे जबी पर यानी माथे पर लिखी हुई जो तकदीर है वो उसको लफ्ज बलफ्ज पढ़ लेगा। तो कहते ना कि तकदीर माथे पर लिखी होती है, तो ऐ बादशाह सलामत तेरी तहरीर को अगर इब्न मक्ला अपनी आंखों में लगा ले सुरमे की जगह, तो उसकी आंखों को ऐसा नूर मिल जाए, ऐसे नूरे बसारत हासिल हो जाए कि वो माथे पर लिखी हुई तकदीर का हर्फ बाहर पढ़ लेगा। ये है। अब देखिए, अब यह तो बादशाह सलामत के तहरीर की तारीफ थी, अब इसके आगे क्या है, बादशाह सलामत के घोड़े की तारीफें हैं। तेरा संबंध है वो तेज रो कि वक्ते खराम, नजर हो दीदे जरका की भी न उसकी नजीर, कि सैरगाह उसकी तो राह यक रोज, हाँ तो सैरगाह उसकी की नहीं है। एक मिनट फिर से पढ़ते हूँ। तेरा संबंध वो तेज रो कि वक्ते खराम, नजर हो दीदे जरका की भी न उसकी नजीर, कि सैरगाह है उसकी तो राह यक रोजा, और उसका शर्क से ता गर्ब अरसे अरसा गाहे मसीर। अब ये संबंध माने क्या होता है? घोड़ा। अब यहाँ पे घोड़े के तारीफ की है बादशाह सलामत के, वो भी मुबालगा के साथ है। तेरा संबंध वो तेज रो कि वक्त खराम, ऐ बादशाह सलामत आपका घोड़ा ऐसा तेज रो यानी ऐसी तेज रफ्तार है, कब वक्त खराम चलते वक्त वो ऐसा तेज रफ्तार है कि नजर हो दीदे जरका की भी ना उसकी नजीर, कि दीदे जरका की नजर भी उसकी नजीर नहीं बन सकती है, उसको देखने वाली नहीं बन सकती, यानी आपका घोड़ा इतना तेज चलता है कि जरका की नजर भी उसको नहीं देख पाती कि कितना चला। अब जरका कौन है? जरका एक मिनट, जरका अरब की एक खातून, जरका के माने अगर आप देखेंगे तो नीली आंखों वाली खातून, लेकिन जरका वो अरब की एक खातून थी। कहते हैं कि उस वो अपनी उसकी नजर इतनी तेज थी कि एक घोड़ा एक दिन में जितनी मसाफत तय कर लेता है वो वहां तक देख सकती थी। लेकिन ऐ बादशाह सलामत आपका घोड़ा इतना तेज है कि जरका की निगाह भी उसको नहीं देख पाती है, जबकि जरका की निगाहों को ये खासियत थी कि वो एक दिन में घोड़ा जितनी मुसाफत तय करता है वो उसको देख लेती है, लेकिन आपके घोड़े की आपके घोड़े की जो तेज रफ्तारी है और कहां तक चला ये जरका भी नहीं देख पाती। क्यों? कि सैरगाह उसकी तो राह यक्रोज, तो उसकी जो जरका की जो निगाह थी वो उतना ही कि एक दिन में घोड़ा जितना चलता था उतना देख पाती थी, कि सैरगाह है उसकी तो राहे यक्रोज, उसकी निगाह तो सिर्फ उतना देखती है जितना एक दिन में घोड़ा चलता है, लेकिन आपका घोड़ा तो उसका शर्क से तागुर्ब अरसगाहे मसीर, लेकिन आपका घोड़ा तो एक बार चलना शुरू करता है तो मशरिक से शुरू करता है और मगरिब में जाके रुकता है, तो जरका भी उसको नहीं देख पाती है। ये है, जब दोनों को मिला के पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए अगले शेर भी, उनको भी जब मिला के पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। तेरे जुफील की तारीफ खुसरुआ लिखूं, करूं हकायात शीरी को कोहकन तहरीर, तेरे जुफील की तारीफ खुसरुआ लिखूं, करूं हकायात शीरी वो कोहकन तहरीर, कि फील कोह कजक तीशा फील बाले फरहार, वो दोनों दांत सफा एक एक जुए शीर। अब देखिए, सबसे पहले तो इस इन दोनों अशार में सनत तलमी है। क्यों? इसमें एक तारीखी वाक्य का जिक्र है। कौन से जिक्र है? खुसरू परवेज का, शीरी का, कोहकन फरहाद को कहा जाता है, फरहाद ने पहाड़ काटा था, कोहे बेसुतून को काटा था, इसलिए अक्षरी से मिलने के लिए तो कोहकन पहाड़ को तोड़ने वाला, पहाड़ को तोड़ने वाला कौन था? फरहाद। तो ये एक पूरा एक तारीखी किस्सा इसमें बयान किया गया है। तो इसलिए तेरे जो फील माने क्या होता है? हाथी। ऐ बादशाह सलामत अगर मैं तेरे फील की हाथी की तारीफ खुसरुआ लिखूं, ऐ बादशाह सलामत अगर मैं आपके हाथी की तारीफ लिखना चाहूं, तो मुझे शीरी और फरहाद की कहानी तहरीर करनी होगी। तो करूं हकायात शीरी कोहकन तहरीर, तो मुझे शीरी और फरहाद की कहानी की जो हकीकत है, हकायात है, उसे तहरीर करनी होगी। क्यों?
कि फील को कि आपका जो हाथी है फील है वो क्या है, पहाड़ की मानिंद है, यानी इतनी जखामत उसकी ऐसी है कि जो आपका हाथी है, कहो कि आपका हाथी मिसल पहाड़ है, कि फील को कजक तीशा, अब और कजक, कजक माने क्या होता है, अंकुश जिसको लगा हाथी को, वो किसका है, वो मिसल फरहाद के तीशा की मानिंद है, कजक जो है आपका जो अंकुश है वो तीशे की मानिंद है, तीशा माने क्या होता है, वो हथौड़ा या कुल्हाड़ी या फावड़ा जिससे फरहाद पहाड़ को काट रहा था या तोड़ रहा था वो तीशा, तो आपका जो हाथी है वो पहाड़ की मानिंद है, जो उसका अंकुश है वो फरहाद के तीशे की मानिंद है, फील बाल फरहाद, और जो आपका जो और उसका जो फीलबान है, जो हाथी को हांकने वाला फीलबान है वो क्या है, वो फरहाद के मा, फीलबान फरहाद, वो दोनों दांत सफा एक 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 जुए शीर, और वो दोनों दांत जो जो कि जुए शीर, जुए शीर के माने क्या होता है, दूध की नहर की मानिंद है, क्यों, अब हाथी के दो दांत दिखाई देते हैं तो कहना वो कैसे है, वो ऐसा लग रहा है कि दूध की नहर है बह रही है। अब आपको ये पता ही होगा कि कहते हैं ना कि कोहे बेसुतून को काटकर फरहाद ने दूध की नहर निकाली थी और शीरी से मिलने के लिए, तो क्या सच में दूध की नहर नहीं, बल्कि पहाड़ को काटकर जो पानी निकला था, वो जो रास्ता बना था वो पानी निकला था, तो जो पहाड़ से पानी नीचे गिरता है तो वो इतना सफेद होता है कि देखने में दूध की मानिंद लगता है, ये है मामला। तो आप वही कह रहा है कि अगर तेरे अब देखिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए, तेरे जो फील की, तेरे जो हाथी की तारीफ खुसरुआ लिखूं तो क्या करना होगा मुझे, करूं हकायात शीरी और कोकन तक, कोकन माने फरहाद और शीरी की हकायात को यानी कहानियों को मुझे फिर से तहरीर करना होगा, कैसे, कि फील को हो कि तेरा हाथी पहाड़ की को माने पहाड़, कदक कजक तीशा जो उसका अंकुश है, इसके मुनासबत से ये कजक तीशा है और उसका जो अंकुश है वो कुल्हाड़ी तीशे की मानिंद है, फील बाल फरहाद और फीलबान जो है वो फरहाद हो गया है, वो दोनों दांत सफा और आपके हाथी के दोनों दांत दिखाई देते हैं, वो एक एक जुए शीर, वो एक एक दांत जुए शीर के मानिंद है, चले न अशरफिये आलम, चले न अशरफिये आफ्ताब आलम में, खते श्वास है उस पर जो होवे न ये तहरीर, अबू जफर शह वाला गुहर बहादुर शह, सराजे दीने नबी साये खुदाए कदीर, शह बलंद निगाह निगाह शहरे यार वाला जा, खदियो मेहर कला मेहर मेहर कला खुसरुवे सिपहर शरीर। अब देखिए ये भी सब मरबूत अशार हैं, अब शायर क्या कह रहा है, अब इसमें भी शायर ने अपने ममदू यानी बहादुर शाह जफर के की जो औसाफ है उनका बयान किया है, अब इसमें जौक कह रहे हैं कि चले ना अशरफिये आफताब आलम, आफताब आलम में, अशरफिये आफताब, आफताब का सिक्का, सूरज का सिक्का, अब सूरज का सिक्का क्यों कहा है, आफताब गोल होता है, अशरफी भी गोल होती है यानी सिक्का, तो चले ना अशरफिये आफताब, आफताब का भी सिक्का, आलम माने दुनिया, चले ना अशरफी आफ्ताब की जो अशरफी है या उसका जो सिक्का है वो दुनिया में नहीं चले, खते श्वा से उस पर जो न होवे, अगर उसकी जो श्वाएं हैं, जो उसकी खते श्वा हैं, जो उसकी किरणें जब गिरती हैं जमीन में, अगर उन पे ये ना लिखा हो तो ये आफ्ताब का सिक्का भी जमीन पे नहीं चलेगा, क्या, अबू जफर शहे वाला गुहर बहादुर शह सराजे दीने नबी साये खुदाए कदीर, अगर अब इसमें यह है कि आफ्ताब भी एक अशरफी की मानिंद है और ये अशरफी दुनिया में न चलती, अगर ये खते श्वा से ये न लिखा होता कि हमारे ममदू का नाम अबू जफर, अबू जफर है वो आली मर्तबा बादशाह है, शहे वाला गुहर वो आली मर्तबा बादशाह है और बहादुर शाह सराजुद्दीन उसका लकब है, और गोया वो दीने नबी का चिराग और कुदरते खुदा का साया है, सराज दीने नबी साया है खुदाए कदीर और खुदा के खुदाए कदीर का वो साया है, वो ऐसा बादशाह है जिसकी निगाहें बुलंद, शहे बलंद निगाह शहर यारा शहर यारे वाला जा, वो ऐसा बादशाह है, कौन, बहादुर शाह जफर की जिसकी निगाहें बुलंद है यानी वो आली हौसला है और वो आली मर्तबत बादशाह है और ऐसा ऐसा शहनशाह है कि आफ्ताब उसका ताज और आसमान उसका
तख्त है, खदियु मेहर कला खुसरे सिपर शरीर, कि उसका आफताब उसका ताज है, सूरज जो है हमारे बादशाह का ताज है और आसमान उसका तख्त है। ये उसके बादशाह सलामत के औसाफ का बयान है इन अशार में। जहां मुसक्खर आलम मतियो खल्क मता, फलक मवैयद अख्तर मोई अख्तर मोइनो बख्त नसीर। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है बादशाह सलामत, बादशाह जफर क्या कह रहे हैं, जहां मुसक्खर, मुसक्खर माने जिसे आपने जिसे कैद कर लिया गया हो, तो जहां मुसक्खर आलम मती खल्क मता, मुसक्खर के माने कैद किया हुआ। अब इसमें कहता है कि दुनिया आपके काबू में कर दी गई, जहां माने दुनिया, दुनिया किसके, बादशाह सलामत, जहां मुसक्खर दुनिया आपके काबू में है, आपकी कैद में है, इस तरह आपकी इता और वो और आलम मुती, और वो आलम माने भी दुनिया होता है, तो दुनिया आपकी इताद गुजार है, आपकी मुती है और फरमा बरदार बन गई है, और खल्के मुता, और जो खल्क है दुनिया वाले हैं वो आपके मुता है, यानी वो आपके फरमा बरदार हैं। फलक फलक मवैयदो अख्तर, फलक आपका क्या है सब, और आसमान आपकी, फलक मवैयद, मवैयद माने ताईद करने वाला, आसमान आपकी ताईद करने वाला है, और किस्मत मवैयद अख्तर किस्मत का सितारा जो है वो आपका माविन है, यानी मददगार है, और किस्मत आपकी मददगार है, बख्त नसीर, और किस्मत आपकी दोस्त है, आपकी मददगार है नहाय। अब इसमें कुल मिलाकर बहादुर शाह जफर की तारीफ और उसके औसाफ, दीनदारी, नेकी, इन तमाम औसाफ का बयान शायर ने यहाँ पर किया है। वो हम देख रहे हैं। नहाय सना के लिए तेरे इख्तितामो तमाम, नहाय दुआ के लिए तेरी इंतहाओ अखीर। ये शेर मदह के यहाँ पर, इस शेर में यानी यहाँ पर मदह का खात्मा हो रहा है। फलक मवैयद अख्तर मोइनो बख्त नसीर, यहाँ पर इसका मदह के अशार का खात्मा हो रहा है, यहाँ पर इसका ऐलान भी, नहाय सना के लिए तेरे इख्तितामो तमाम, नहाय दुआ के लिए तेरी इंतहाओ अखीर। ये शेर मदह के खात्मे के और दुआ के आगाज की तमहीद के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए शायर कहता है कि आपकी तारीफ के लिए कोई इख्तिताम या खात्मा नहीं है, यानी हम जिस कदर भी तारीफ करें तो तारीफ का हक अदा नहीं होगा। नहाय सना के लिए तेरे इख्तितामो तमाम, आप कोई तारीफ के लिए ना कोई इख्तिताम है ना खात्मा है, यानी हम जिस कदर भी तारीफ करें उसका हक अदा नहीं कर सकते, जब हक अदा नहीं कर सकते तो खत्मा कैसे होगा। इस तरह आपके लिए जितनी भी दुआ की जाए, नहाय दुआ के लिए तेरी इंतहा हो अखीर, कि उसकी दुआ की कोई इंतहा नहीं है, और यानी दुआ भी हमसे, दुआ का भी हक हमसे अदा नहीं कर सकता। नहाय दुआ के लिए तेरी इंतहा हो अखीर, मगर ये जौक सनासन जो मदा खा तेरा, गुलामे पीरे कुहन साल एक फकीर हकीर। लेकिन अब देखिए, अब इसमें जौक ने मगर ये अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। सनासन बहुत सोच समझ कर तारीफ करने वाला, मगर ये जौक सनासन जो, और मदा खा तेरा जो, तेरा मदा खा तारीफ करने वाला सनाखा है, ये जौक ए बादशाह सलामत, ये जो जौक है जो आपका सनाखा है और जो आपकी तारीफ कर रहा है। तो अब देखिए, इस तरह समझिए कि ये शेर दुआ से ताल्लुक रखते हैं, इनमें एक तरफ मदह के खात्मे की तरफ इशारा भी शायर ने पहले कर दिया है, दूसरी जानिब दुआ के आगाज भी यहां से कर दिया है, तमहीद कर दिए। अब जौक यहाँ इसमें किसको, बादशाह जफर यानी अपने ममदू को मुखातिब करने के अंदाज में कह रहे हैं कि अगर ना तो सना का हक यानी तारीफ का जो हक मुझसे अदा हुआ, न दुआ अपने हुकूक के साथ कामिल अंदाज को जा पहुंची है, फिर भी जौक आपकी तारीफ करने वाला और मदा खानी करने वाला है, और आपका एक बूढ़ा गुलाम है, बूढ़ा गुलाम, गुलामे पीरे कोहन, बहुत बूढ़ा कोहन, पीरे कोहन ना बहुत पुराना बूढ़ा, बूढ़ा गुलाम है, और कहते हैं कि और जो फकीर हकीर भी है। क्यों जौक ने ये अपने लिए क्यों कहा है कि वो हमेशा फकीरों के अंदाज में आपके लिए दुआ करता रहता है, जब से ये सुन लिया है कि फकीर की दुआ रहमत खुदावंदी में जल्द कबूल होती है, इसलिए मगर ये जौक सनासन जो, ये जौक है जो आपकी तारीफ करने वाला है, जो आपकी मदह करने वाला है, और ये बहुत बूढ़ा है, ये आपकी तारीफ इसलिए करता है कि इसने सुन रखा है कि खुदा बूढ़ों की, खुदा जो बूढ़े लोगों की दुआएं जल्दी सुनता है या जल्दी खुदा तक पहुंचती है, तो ये हर वक्त आपके लिए बादशाह सलामत दुआ करता रहता है।
करे है दिल से दुआ ये सदा फकीराना, और ये हमेशा दिल से ये फकीराना दुआ करता रहता है आपके लिए। सुना है जब से कि रहमे खुदा दुआए फकीर की, जब से इसने सुन रखा है कि खुदा फकीरों की दुआओं को जल्दी सुन लेता है या रहम करता है। रहमे खुदा दुआए फकीर, और फकीर वो भी बूढ़ा कोहन साल है, गुलाम पीर कोहन। इलाही आप पे हो ता जमी, जमी को सिबात, जमी पिता हो फलक और फलक को हो तदवीर। अब देखिए ये अशआर भी मरबूत ही है। फलक पे छोड़े नता दामन मसीह हयात, जमी पे खजर की तहो फना न दामन दामन गिर। अब देखिए इलाही आप पे हो ता जमी, जमी को सिबात। यहां अब दुआ का असल आगाज हो रहा है, इलाही आप पे हो ता जमी, जमी को सिबात। जमीन कहते हैं ना कि जमीन पानी पर रुकी हुई है, सबात माने रुकी हुई, इलाही आप माने इलाही आप पे, इलाही पानी पे हो ता जमीन, जब तक जमीन पानी पे रुकी हुई है, जमीन ठहरी, सबात माने ठहरना, जमीन पर ठहरी हुई है, जमीन पे ताहो फलक, जब तक जमीन पे आसमान कैसा हो, फलक को हो तदवीर, और फलक अपनी गोलाई के साथ जमीन के ऊपर ढके हुए है उसको। अब देखिए वो शेर में आने वाला है, उसको पेश कर दिया, इशारा कर दिया है कि ऐ परवरदिगार ये जमीन जब तक पानी पर कायम है और जब तक जमीन को ठहराव नसीब है, इलाही आप पे होता जमीन, जब तक ये जमीन पानी पर मौजूद है और जमीन को सबात और जमीन को ये ठहराव नसीब है कि वो पानी पर मौजूद रहे, और जब तक जमीन के ऊपर आसमान है, जमीन पे ताता माने हम जमीन पे, हम पे आसमान है और फलक को हो तदवीर, जमीन पर जब तक हाँ जमीन के ऊपर आसमान है और आसमान को जब तक गोलाई, तदवीर माने गोलाई होती है, जैसे आसमान कहते हैं ना, ऐसा लगता है जमीन को ऐसे करके ढके हुए है, तब तक ये गोलाई है, और जब तक जिंदगी आसमान पर हजरत ईसा का दामन नहीं छोड़ती। फलक पे छोड़े न तादामने मसीह हयात, जब तक जिंदगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान में दामन नहीं छोड़ती, और जब तक मौत जमीन पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का दामन नहीं पकड़ती। जमीन पे खिजर की ताहो फना न दामनगीर, जब तक फना माने मौत, दामनगीर दामन पकड़ना, जब तक जमीन पर खिजर मौत जो है तो खिजर अलैहिस्सलाम के दामन नहीं पकड़ती। कहते ना कि खिजर अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पी रखी है इसलिए उनको मौत नहीं आती, और वो सहरा में रहते हैं और भटके हुए लोगों को राह दिखाते हैं। ऐसा तो इसमें एक तो सनत तलमी भी है। तो जब तक आसमान पर तदामन जिंदगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दामन नहीं छोड़ देती, यानी उनको मौत नहीं आ जाती, और जमीन हजरत खजर अलैहिस्सलाम की दामनगीर नहीं हो जाती, उनका दामन नहीं कर लेती, तब तक क्या हो। अब ये कब तक का है, और ये सब कब होना है, ता कयामत होना है। ये सब हजरत खजर अलैहिस्सलाम को कब मौत आएगी, कयामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कब जिंदगी खत्म होगी, कयामत। यानी कि शायर यहाँ पे कहना चाहता है ता कयामत, ता कयामत क्या हो, अता करे तुझे आलम में कादिर कयूम, बजा वो दौलत व इकबालो इज्जत व तौकीर, कि ऐ बादशाह सलामत ता कयामत आपको क्या हो, खुदाए ताला आपको अता करे तुझे आलम में कादिर कयूम, तने बजा हो दौलत व इकबालो इज्जत व तौकीर, तने कवि मिजाज सही उम्र तवील, सिपाह वाफिर व मुल्को वसी गंजो खतीर, स्याह वाफिर मुल्क वसी वसीओ गंजो खतीर गंजे खतीर, सिपाह वाफिर व मुल्क वसीओ गंजे खतीर, ऐ बादशाह सलामत ता कयामत आपको खुदा क्या दुनिया में अता करे, कि अब कि जब तक कयामत नहीं आ जाती उस वक्त तक कुदरत रखने वाली और कायनात को बाकी रखने वाली खुदा की जात, यानी जो कादिर कयूम है, खुदा को बाकी रखने वाली जात जो अल्लाह की जात है, मैं उससे ये दुआ करता हूँ कि ऐ बादशाह सलामत आपके मर्तबे को, बजा हो दौलत व इकबाल इज्जत व तौकीर, आपके मर्तबे को, सल्तनत को, इकबाल को, और आपके उरूज व इज्जत और वकार के साथ क्या अता करे, ये बजा हो आपको दौलत इकबाल इज्जत तौकीर बुलंदी के साथ साथ क्या अता करे, तने कवि यानी कि तंदुरुस्त बदन ताकतवर जिस्म, मिजाज सही यानी सही मिजाज, उम्र तवील लंबी उम्र,
सिपाह वाफिर, भारी भरकम लश्कर और वसी सल्तन, वसी गंजो खतीर और वसी सल्तनत और भारी भरकम खतीर, गंज माने खजाना यानी आपको वसी मुल्क माने सल्तनत, वसी मुल्क बहुत भारी खजाना, ये तमाम चीजें आपको खुदा अता करे और तब तक अदा करे जब तक कि कयामत ना आ जाए। और कयामत कब आएगी? जब जमीन अपने जो पानी पे ठहरी हुई नहीं रहेगी, उसका सबात खत्म हो जाएगा और फलक, जमीन से फलक डगमगा जाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी उनका उनका दामन छोड़ देगी और हजरत खजर का दामन, मौत उनका दामन पकड़ लेगी। और ये सब कब होगा? कयामत तक होगा। तो ऐ बादशाह सलामत, कयामत तक खुदा आपको इसी तरह से क्या क्या अता करे, बजाओ दौलत व इकबाल, इकबाल दौलत, इज्जत, तौकीर, सेहतमंद जिस्म, यानी कि सब कुछ इसने बहादुर शाह जफर के लिए ज़ौक ने खुदा से मांग लिया। और इसके बाद, इस कसीदे के बाद ज़ौक को बहादुर शाह जफर ने बहुत इनाम इकराम दिया था। कहते हैं एक जंजीर हाथी, एक हीरे की अंगूठी और क्या क्या, और बहुत सारी जमीन जायदाद उनको दी थी। यही वो कसीदा था और ये कसीदा बहुत मतलब ज़ौक के मशहूर कसायद में इसका शुमार होता है। आज ये कसीदा यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम ज़ौक का दूसरा कसीदा, ये दो पार्ट में है, पार्ट वन आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में मौजूद है, ये पार्ट टू है। और इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। वालेक मैम, पेपर टू का यूनिट 10 आप ही पढ़ाएंगी ना? शाइना परवीन, उसे बहुत शानदार तरीके से इम्तियाज़ अहमद अलीमी सर ने पढ़ाया, आप एक बार देखिए तो सही। हबीबा फलाही, वालेकुम अस्सलाम। खान आफरीन, वालेकुम अस्सलाम, बहुत उम्दा कलाम, बहुत शुक्रिया शाहीन। जी बिल्कुल अरवा, आवाज यहाँ पर भी ठीक है। किसने पूछा है? मैम ये बताइए टोटल एक्सपायरेंट कितने थे यूजीसी नेट एग्जाम में? देखिए तो ये तो आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट हमने बहुत सारे शेयर किए हैं यूट्यूब पे, उसमें 7000 कुछ स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था फॉर्म के लिए और 6000 कुछ स्टूडेंट ने उस पर एग्जाम दिया था, 5000 कुछ स्टूडेंट ने। मैं एक कोई एक रिजल्ट का एग्जैक्ट आपको बता दे रही हूँ देख के, एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं अभी देख के बता दे रही हूँ। 7590 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था यानी रजिस्ट्रेशन किया था और एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे 5894 स्टूडेंट। ये उर्दू का है जी। तो मेरे ख्याल से मैंने आपका जवाब दे दिया। शाइना मैम प्लीज क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए 8:30। तो शाइना एक बात ये कि 8:30 बहुत मुश्किल है होना, क्योंकि लगातार हमारी क्लासेस होती है 6:15 से 6:15 के दरमियान हमारी अल्टरनेट डे में क्लास, पेपर वन की शुरू, एक दिन पेपर वन की होती है, एक दिन उर्दू की होती है, वो शुरू हो जाती है और वो खत्म होती है 7 से 7:15 के दरमियान में। 7:15 मेरी शुरू होती है और मेरी जब खत्म होती है 8:15 तकरीबन, तो उसके बाद आधा घंटे का रेस्ट है, उस वक्त आप नमाज पढ़ लें, खाना खा लें। और 9:00 हमारी जनरल पेपर की, पेपर वन की क्लास शाहिद सर की, जो कि मेरी और शाहिद सर की रोज क्लास होती है, वो शुरू हो जाती है। तो इसलिए क्लास की टाइमिंग को चेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि इस टाइमिंग में हम क्या चेंज कर सकते हैं। और उसके पहले ना तो मतलब हम घर पे नहीं होते, शाहिद सर भी नहीं होते हैं और ना मैं होती हूँ। मैं 5:00 यूनिवर्सिटी से आती हूँ और 5:30 हो जाता है बल्कि, और शाहिद सर 8:00 आते हैं, तो हमारी हमारे पास यही टाइम होता है। तो सो क्लास की टाइमिंग तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख सकते हैं।
खान आफरीन, मैं ज़्यादातर यूनिट्स में ही पढ़ाती हूँ, बस हम कुछ अच्छे असातिज़ा को जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनको ज़रूर बुलाते हैं और वो अल्टरनेट डे में पढ़ाते हैं। मेरी क्लास रोज़ होती है, बाकी असातिज़ा की और शाहिद सर की क्लास जनरल पेपर की रोज़ होती है, बाकी अल्टरनेट डे में एक दिन उर्दू की एक दिन जनरल पेपर की अदर टीचर्स की होती है, लेकिन मोस्टली सिलेबस मैं और शाहिद सर ही कवर करते हैं, वो फर्स्ट पेपर का और मैं उर्दू का। जी तबस्सुम अंसारी, तो आज हम इंशाल्लाह बैंक आपसे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सिलेबस चेंज हुआ है इस बार मैम अब्दुल राशिद, अभी तक तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एनटीए का नोटिफिकेशन नवंबर में आया था कि सिर्फ उर्दू का ही नहीं बल्कि जो 83 सब्जेक्ट्स में एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है नेट का, उन तमाम का सिलेबस अपडेट होना है, रिवाइज होना है, तो लेकिन अभी हुआ नहीं है, चूंकि ये एक छोटा मोटा प्रोसेस नहीं, एक बड़ा प्रोसेस है, इसकी कमेटी बनती है, उसके बाद बहुत सारी उसकी मीटिंग्स होती हैं, कोई एक मीटिंग में सिलेबस तैयार नहीं होता है, पुराने सिलेबस को नए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सिलेबस जब 2019 में इम्प्लीमेंट हुआ था, इस पर काम 2017 में शुरू हो गया था, 17-18 काम हुआ था, और जैसे ही 2018 खत्म हुआ जनवरी में साइट पर सिलेबस अपडेट हो गया था, और NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, तो उसके मुताबिक कुछ चेंजेस होने हैं, लेकिन सिलेबस तब्दील नहीं होना है, सिर्फ अपडेट होना है, और किस तरह की अपडेट्स हो सकती हैं और उस पर क्या क्या मतलब हो सकता है, हमने उस पर भी एक वीडियो बनाया है कि नए और पुराने सिलेबस को आप कैसे अगर चेंज होता है तो एक तो ये कि अभी मुझे नहीं लगता जहां तक जो अभी तक हमने देखा है कि कब चेंज होगा या क्या जून वाले में हो जाएगा, एक तो ये कि जून वाले में इतनी जल्दी होगा नहीं, एग्जाम की एग्जाम पता है कब होना है, तमाम चीजें पता है, और अभी नोटिस आया था उसके बाद कोई नोटिस नहीं है, एनटीए अभी पूरी तरह से एग्जाम कराने और रिजल्ट में बिजी है, तो अगर होगा भी तो ये आपको पहले बता दिया जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था कि जनवरी में सिलेबस साइट पे अपडेट हो गया था और एग्जाम आपका हुआ था जून में, उस पर लिया गया था जब 2019 में हुआ था, तो इसी तरह हमेशा होगा, अदर सब्जेक्ट्स का भी हुआ है, और अगर आप देखें कि एनटीए और जो जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है लाइक जेईई नीट वगैरह का, उनका सिलेबस भी रिवाइज हुआ है, तो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, यानी थोड़ा सा कम किया गया है, और तो हो सकता है कि जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस हो तो वो भी थोड़ा सा कम भी हो सकता है या अपडेटेड फॉर्म में आएगा, तो अपडेट किस किस तरह के हो सकते हैं उस पर हमने कंप्लीट एक दिन डिस्कशन किया था, वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। मेरा नमाज छूट गया है मैम, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिले ताज है, बिल्कुल अल्लाह पाक आपकी मेहनत रंग लाएगी, सबको कामयाबी मिलेगी, बस मेहनत करते जाइए। तो चलिए अब क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, आप लोग फ्री हो जाइए, खाना पीना खा के नमाज वगैरह से फारिग होके उसके बाद 9 बजे शाहिद सर की क्लास आपकी शुरू होगी। जी शाहीन फातिमा, जो लोग भी हमसे जुड़े हैं, जो बहुत सारे हमारे आज भी जिनके मैंने लेक्चर्स लिए, आप उनमें आप दरख्शा अंजुम का देखने, वो हमारे यहाँ चूंकि उर्दू उनकी बहुत अच्छी थी लेकिन तब भी वो उर्दू की क्लास भी कभी कभी ज्वाइन करती थी बाकायदा तौर पे वो जनरल पेपर की, तो आप देखिए कि उनके यहाँ एक वीडियो बनाने में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, एक लाइव 5 मिनट का सेशन करना था तो वो लाइव क्लासेस कैसे देखती रही होंगी, उसके लिए वो कब जाती हैं उनको रिकॉर्ड उनको डाउनलोड करती हैं और फिर देखती थी, यही हाल अनवरी का था, मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स का यही हाल है, तो आप देखिए वो सब ने कामयाबी हासिल की इन तमाम चीजों को, नेटवर्क प्रॉब्लम है, टाइमिंग का, इन तमाम इशूज को खत्म कर दिया, अनवरी की अक्सर बात होती थी, दरक्षा के अक्सर सवाल होते थे जो हमें व्हाट्सअप कर देते थे, बस तरीका ये होता है व्हाट्सअप करने का कि आप एक पेपर पे अपने सवाल लिख दें, ठीक से लिख दें या मैसेज पे क्लियरली टाइप करके हमें भेज दें, जब हमें टाइप होना होता है हम उसके अकॉर्डिंग आपके जवाब दे देते हैं, बस ये होता है, चूंकि हम भी वर्किंग हैं और आप लोग भी होंगे कहीं ना कहीं, आप ये नहीं देखिए कि बस आपने जैसे ही फोन किया हमने फोन रिसीव नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि हम हर वक्त फोन नहीं रिसीव कर सकते हैं, जब यूनिवर्सिटी में होते हैं, क्लास में होते हैं, कुछ उस तरह का काम कर रहे हैं, अगर वहां से फ्री हैं तो हम वहां भी रिसीव कर लेते हैं, लेकिन अगर है तो हम फोन नहीं रिसीव करते, लेकिन हम बाद में सबको रिप्लाई करते हैं, अक्सर और बेशतर सभी स्टूडेंट ये बात जानते होंगे कि कभी अगर यूनिवर्सिटी में उस वक्त है, अगर मैं वहां फ्री हूँ तो उसी वक्त रिप्लाई करती हूँ, नहीं बाद में जरूर रिप्लाई करती हूँ। जी शाहिंदा परवीन, आपने देखा होगा टॉपर स्टॉक, नेक्स्ट टॉपर स्टॉक में जिनके साथ हम आपके साथ मुलाकात करेंगे, आप उनके बारे में सोचेंगे तो एक, अब मुझे लगता है इस बार तमाम रिकॉर्ड हमारे लर्नर्स ने तोड़ दिए हैं, तो वो भी एक तरह से आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा, अगला जो हमारे साथ टॉपर स्टॉक में जो हमारे साथ आने वाली मोहतरमा है आप उनके बारे में देखिएगा, तो आपको और भी तकवीयत मिलेगी कि कैसे लोग किस तरह से अगर चाह लेते हैं तो हो जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल शाइना, बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़े रहने के लिए आप में से। तो चलिए अब हम यहीं पे विदा लेते हैं ताकि आप सब अपने काम से फारिग हो जाएं, आपकी नेक्स्ट क्लास का हो रहा है टाइम। और कल इंशाल्लाह ज़ौक का जो दूसरा कसीदा निसाब में शामिल है मेरी आंख में अश्कों के तमाशा गौहर, उसकी तशरीह करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल क्लास को थोड़ा सा लंबी कर लें ताकि एक दिन में, मैं चाहती हूँ खत्म हो, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि एक दिन में खत्म ही, एक से चूंकि टाइमिंग का इशू हो जाता है, 1.5 घंटे की तो क्लास कर सकते हैं हम, 2 घंटे की करने पर फिर अदर क्लासेस डिस्टर्ब होती है, तो कल कोशिश करेंगे कि वो हो जाए, नहीं हुई तो 2 दिन में तो हो ही जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैम मैं भी डाउनलोड करके देखती हूँ मैम, और बहुत शुक्रिया शायना परवीन, आप सबको अल्लाह ताला आपके नेक मकासद में कामयाबी अता करे। मेहनत करते रहिए, हर चीज पाने का बस एक ही सलूशन है, तरीका है मेहनत, और मेहनत आप भी करेंगी, जो करेगा खुदा उसे अता करता है। दुआओं के साथ मेहनत बहुत जरूरी है, तो हम सब दुआ भी करते हैं और मेहनत की उम्मीद आपसे करते हैं। बहुत शुक्रिया।